नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन, प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान जावद के भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेजा के समर्थन में विजय संकल्प दिलवाने के लिए यहां पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहां पर बड़ी संख्या में महिला से लगातार पुरुष जो है इस सभा में पहुंच चुके हैं। काफी समय से उनका इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? दनगांव से। क्या लगता है माहौल क्या कह रहा है? बहुत जोरदार माहौल। मंत्री सकलेजा ने विकास कौन आने वाले हैं? कौन आ रहे हैं? अपने आप आएंगे। अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अभी यहाँ कौन आ रहे हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। कौन? कमलनाथ जी पसंद है? मुख्यमंत्री जी पसंद है? शिवराज सिंह जी पसंद है। काका कहाँ से आए हो? हमारे भारतीय जनता। क्या लग रहा है माहौल क्या कह रहा है? बीजेपी आएगी जीतने। देवेंद्र जी क्या लगता है, युवा क्या कह रहा है इस बार? सकलेजा जी बारी है, पटेल साहब को। सकलेजा जी बारी है, भाजपा बारी है। पटेल साहब तो कह रहे सकलेजा जी भारत हुआ। सकलेजा जी को भारतीय जनता पार्टी, ये उनका मानना है। धरातल पर उन्होंने कुछ किया नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय, पांच ऐसे मुद्दे नहीं है जो इन्होंने किसानों के उन्होंने उठाए हो। वो कह रहे विकास नहीं हुआ। विकास तो दिख रहा है सब जगह। समुंदर पटेल को नहीं दिख रहा ना, मना कर रहे हैं। कौन को दिख जाएगा चुनाव में भी पता चला। क्या लगता है इस वक्त हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी भी बात करेंगे। जिला अध्यक्ष जी आप यहाँ पर कौन आ रहे हैं? फिर क्यों आए यहाँ पर? आज जन जन के लाडले मध्य प्रदेश की जनता को जिसने मंदिर मानकर और भगवान मानकर और मध्य प्रदेश को मंदिर मानकर जिसने जनता को पूजा है और जनता के जन कल्याण की योजनाएं बनाकर और मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर और मध्य प्रदेश के हर परिवार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है, ऐसे जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का आज जावद विधानसभा की जातला में आगमन हो रहा है और उसी को लेकर ये जन सैलाब उमड़ा है। क्या लगता है धाकड़ समाज को कांग्रेस ने टिकट दिया? वैसे में सिंगोली क्षेत्र धाकड़ भवन में माना जाता है, तो मान सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी को मात देने के लिए शिवराज सिंह जी का आगमन हो रहा है ताकि समाज को भाजपा के साथ ला सके? देखिए, वैसे हमारे मध्य प्रदेश की जो जनता है वो समाजवाद जातिवाद को नहीं देखती है। हमारे मध्य प्रदेश की जनता जन कल्याण की दिशा में उठाए हुए कदमों को देखती है और राष्ट्र प्रथम के भाव से जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है उस भाव को देखती है। इसलिए जनता निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के आने से धाकड़ समाज में ही नहीं, अन्य पूरे समाज में और अन्य पूरे अंचल में और पूरे जिले में उसका लाभ मिलेगा। परंतु हमारे यहाँ जातिवाद के आधार पर वोट नहीं मिलते हैं। धाकड़ समाज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। समुंदर पटेल साहब कह रहे हैं सकलेजा जी को हरा देंगे, विकास नहीं किया उन्होंने। समुंदर जी तो कहेंगे, उनका काम है अभी कहने का, पर जनता मानेगी नहीं क्योंकि विकास हमने किया है। क्या लगता है तस्वीरें क्या है? समुंदर पटेल कह रहे हैं कि सकलेजा जी हार जाएंगे। सकलेजा जी कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, कारण क्या है? पूरी समाज या कोई विधानसभा में जातिवाद नहीं चलता, सभी वर्ग सभी समाज के लोग भारतीय जनता विकास हुआ कि नहीं? विकास तो आप देख के आए, अभी घाटा देखा रतनगढ़ का, चाचा डोम 1 करोड़ की जातला में 1 करोड़ का डोम बन रहा है, 1 करोड़ रुपए का। आज दिन तक किसी जिले में नहीं बनता है। ये हमारे पास राजस्थान है, वहाँ जिला मुख्यालयों पे तहसीलों पे 1 करोड़ का डोम नहीं है। जातला से छोटे से गांव में 1 करोड़ का डोम बना, उससे आप पता लगा सकते हो कि विकास कितना भारी हो रहा है। क्या लगता है कौन आ रहे हैं? शिवराज जी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। लगता है चुनावी तस्वीरें सकलेजा जी भारी पड़ेंगे? भारी सकलेजा जी बहुत भारी मतों से विजय होंगे। बोले विकास बहुत विकास है यार, यहाँ से रतनगढ़ जाओ विकास ही विकास नजर आएगा। चलो आगे भी बात करेंगे, कुछ और लोग जो करेंगे उनका ले लिया। अब बात करेंगे, क्या लगता है इस बार विकास को लेकर क्या तस्वीरें? बहुत सारे बहुत विकास हो रहे हैं। भाजपा के पदाधिकारी हो का आम व्यक्ति हो? मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधि है। क्या लग रहा है विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है, रतनगढ़ घाट देख लिया आप, बिजली शिक्षा हर क्षेत्र में विकास हुआ है। विकास हुआ ना पटेल साहब, क्या नहीं हुआ? अरे वो आके हुआ ही इनका, मंत्री जी का तो मंत्री जी का हुआ ना काम। पटेल साहब आए कैबिनेट भाई साहब, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भाई साहब। क्या लगता है माहौल क्या कहता है आपके गांव में आलोरी गरवाड़ा में? कमल का फूल, कमल का फूल। पटेल साहब कह रहे नहीं चलेगा? नहीं, बाहरी लोग नहीं चलेंगे। पटेल साहब कह रहे मैं स्थानीय हूँ? नहीं, स्थानीय नहीं है। कहाँ पे स्थानीय? 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से तो नजर ही नहीं है। कहाँ से आप? कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। प्रदेश में सरकार बनने वाली है कमल के फूल। जीतेंगे नहीं जीतेंगे? 101% जीत रहे हैं। जैसा कि बताना चाहूंगा, यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता
कार्यकर्ता जो है सीएम शिवराज सिंह की सभा में पहुंच चुके हैं, कुछ लोग पीछे खड़े भी हैं, महिलाएं भी यहां पहुंची हैं और कहीं न कहीं यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए लोग यहां इंतजार कर रहे हैं। यहां पर आज सीएम शिवराज सिंह पहुंचेंगे। भाजपा के जावद के अधिक प्रत्याशी जो है ओम प्रकाश सकलेटा के समर्थन में यहाँ पर सभा की जाएगी और विजय को लेकर जनता को संकल्प दिखाया जाएगा। हालांकि देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में परिणाम क्या होते हैं, कौन सी पार्टी का विधायक बनता है, प्रदेश में सरकार किसकी बनती है।